हाय एवरीवन, आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको दिखाई थी स्कॉर्पियन की डिलीवरी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कुछ बेसिक प्रोटेक्शन रिलेटेड वर्क हमने इस पर कराया था, ताकि ब्लैक कलर बहुत ही मुश्किल टू मेंटेन कलर है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड चीजें मैंने आपको दिखाई थी। तो आज मैं आया हूँ बहुत ही शानदार जगह पे, और यहाँ पे खड़ी है हमारी स्कॉर्पियो वैन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ऊपर जो एडिशनल एसेसरीज हमने कराई हुई है, जो महिंद्रा से आने वाली महिंद्रा जेन्यून एसेसरीज है। मैं आपको वो सारी एसेसरीज दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ इनमें से कितनी एसेसरीज हैं वैल्यू फॉर मनी, एंड ऐसी कौन सी एसेसरी है जिसपे गलती से भी आप अपना पैसा एंड टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि मैंने तो कर दिया। मैंने इसलिए किया है ताकि मैं आप लोगों को रोक सकूं। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको गाड़ी दिख रही होगी हमारी स्कॉर्पियो वैन। ये स्टॉक स्कॉर्पियो वैन नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। अब क्या क्या चेंजेस हैं, मैं आपको एक एक करके सारे चेंजेस के बारे में बताऊंगा। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक लिस्ट भी बना रखी है। सबसे पहले आशु सामने की तरफ आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है डिफरेंट एसेसरीज की। कॉस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा किसी भी एसेसरी की, कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक एक एसेसरी की आपको कॉस्ट मिल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि कितना एक्चुअल कॉस्ट जो कि वेबसाइट पे दी हुई है वो, और कितना लेबर कॉस्ट मुझसे महिंद्रा ने चार्ज किया है, वो पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब जब बात करते हैं स्कॉर्पियो एसेसरी की, तो इन पूरी एसेसरी को किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फ्रंट प्रोफाइल, उसमें क्या क्या कराया, देन मैं आपको दिखाऊंगा इसकी साइड प्रोफाइल, उस पर क्या क्या कराया, फिर उसके बाद हम जाएंगे इसके टेल पे जो कि इसका बैक है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे मैंने क्या क्या कराया। उसके बाद हम जाएंगे इनसाइड कि भाई अंदर क्या क्या काम हुआ है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी बॉडी के अंदर जो इसकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या क्या काम कराया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्लीनिंग एसेसरीज जो कि मैंने महिंद्रा से खरीदी है, महिंद्रा जेन्यून। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट, अगर आप वो सेम वर्क कराते हैं जो कि मैंने अपनी गाड़ी पे कराया है, इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट। इफ इट इज वैल्यू फॉर मनी देन आपको कितना कॉस्ट करने वाला है, ये आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। इसमें आता क्या क्या है फ्रंट में स्टॉक में, तो आपको जो ऊपर वाला क्रोम दिख रहा है ये इसमें स्टॉक में आता है। सामने जो इसकी सिग्नेचर ग्रिल है, ये जो आपको 6 लैंड्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये इसमें बाय डिफॉल्ट आती है। अगर आप Z8 लग्जरी वेरिएंट लेते हैं स्कॉर्पियो वैन का, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। नीचे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज फ्रंट अपर ग्रिल अप्लिक, ये स्टॉक नहीं है, ये मेरे को अलग से लगवानी पड़ी है, ये मैंने लगवाई है। इसका प्राइस क्या है वो आपके यहाँ पे नीचे फ्लैश हो रहा होगा। इसके बाद अगर मैं दूसरी चीज पे आऊँ तो आपको देखने को मिलेगा हेडलैम्प के नीचे ये छोटी सी आईलेस, इसकी आईलाइन दिखाई दे रही होगी, जैसे कि लड़कियां लगाती है ना, कजरा लगाती हैं। सिमिलरली हमारी गाड़ी को भी हमने कजरा लगवाया हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर चुल ने पैसा खर्च कर देगी। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा। सिमिलरली ये सेट में आता है, दो मिलेंगे आपको, एक इस साइड के लिए, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए, ये दोनों हमने लगवाए हुए हैं। इसके अलावा आप क्या क्या करा सकते हैं क्रोम में, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास फॉग लैम्प के लिए भी क्रोम आता है जो कि आप चाहें तो आप लगवा सकते हैं। आपके लिए फ्रंट स्पोर्टी बम्पर भी आता है, दैट्स नॉट द फुल ऑन बम्पर, वो इसी बम्पर के ऊपर माउंट होता है। मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगा फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू वॉन्ट टू पुट इट यू कैन पुट इट। अगर आपके जेब में बहुत पैसे खलक रहे हैं तो थोड़ा सा आप हमें भी डोनेट कर सकते हैं ताकि हम भी अपनी गाड़ी में लगवा सकें। और हाँ, एक चीज़ जो आशु ने पॉइंट आउट की जो कि मैं भूल गया था, साइड बम्पर प्रोटेक्टर्स, ये आपको 4 का सेट मिलता है, 2 आगे 2 पीछे। इसका अगेन प्राइस आपको नीचे फ्लैश हो रहा होगा। बहुत अच्छी एसेसरी, हमारी इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से सबको चुल होती है, भाई नई गाड़ी हम साइड क्यों दें। तो आपको आते एरे गहरे नत्तू गहरे बीच में ठोकते हुए मिलेंगे, हो सकता है कि आपके अंदर ज्यादा चुल है तो आप भी ठोक सकते हैं। दिस इज अ एब्सोल्यूट मस्ट, अगर आप अपनी जेब से ज्यादा पैसा नहीं ठोकना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा शेल कीजिए और इसे लगवा लीजिए, आपकी टेंशन आधी कम कर देगा। ये तो थी फ्रंट की बात। स्टार्टिंग में ना मेरा एक मिक्स्ड रिएक्शन था। आई नो मैनी ऑफ यू जो आप ये वीडियो देख रहे हैं आप बोलेंगे भाई सामने तूने क्या करा लिया है, स्टॉक गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। आई एग्री विद यू, स्टॉक गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। ये सीन तब तक था जब तक आपको रोड पे सेम स्कॉर्पियो चलती नहीं दिख रही थी। आज के डेट में क्या हुआ है, गाड़ी इतनी डिमांड में है, इतनी मस्कुलर गाड़ी है कि रोड पे निकले 3-4 स्कॉर्पियो और दिख जाएंगी। तो आई वॉन्टेड माई स्कॉर्पियो टू बी लिटिल डिफरेंट। तो जब तक कि मैं कोई और थर्ड पार्टी एसेसरी वाला काम नहीं कराता तब तक मेरे पास यही कुछ ऑप्शन थे। इफ यू वॉन्ट योर कार टू लुक डिफरेंट और स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, आप भी सेम चीज करवा सकते हैं अपनी गाड़ी के फ्रंट में। अ डिस्क्लेमर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी बाकी गाड़ियों से डिफरेंट लगे। तो फ्रंट के बारे में इतनी बकवास करने के बाद अब हम आ चुके हैं साइड प्रोफाइल के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने साइड प्रोफाइल पे क्या क्या काम कराया है।
सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है ये रेन वाइजर। ये आपकी गाड़ी में चार चांद तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये इसलिए भी जरूरी है अगर आप हाईवे पे हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत शीशा खोलें वो भी कान फाड़ने वाली आवाज से बचते हुए, तो आपको ये चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास मेरे जैसा ऐसा शरारती डॉग है जिसको बाहर की स्मेल पसंद है, तो डेफिनेटली आपको हाईवे पे क्या करना पड़ेगा, अपना विंडो खोलनी पड़ेगी। एंड दिस इज एब्सोल्यूट मस्ट इन दैट केस। बारिश होगी आपको बारिश से बचाएगा, आप थोड़ा बहुत शीशा डाउन भी कर लेंगे तो आपको अंदर हवा डायरेक्ट नहीं आएगी। साथ ही साथ ये आपको थोड़ा सा एक माचो लुक देता है, आप अगर आप गाड़ी में देखोगे थोड़ा सा एक कैरेक्टर ऐड करता है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, आप चाहे तो क्रोम के साथ जा सकते हैं, यू कैन इवन गो विदाउट क्रोम। मुझे ये गाड़ी ऐसे अच्छी लग रही है, नॉट इज अप टू यू आप कैसा चाहते हैं। दूसरी चीज जो मैंने करवाई है साइड व्यू मिरर्स में भी मैंने क्रोम लगवाया हुआ है। ये स्टॉक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, इसके साथ ये क्रोम नहीं आता, एडिशनल मैंने लगवाया है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये फुट स्टेप्स। थैंक्स टू गॉड कि महिंद्रा फुट स्टेप अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है, तो आपको अपनी जेब से और पैसे ठोकने की जरूरत नहीं है, ये आपको बाय डिफॉल्ट आएंगे। लेकिन बस मेरी एक शिकायत है महिंद्रा से कि भैया अगर कोई बंदा कुछ डिफरेंट कराना चाहता है तो उसे करने दो ना, डिफरेंट ऑप्शन तो ऑप्शन ही नहीं दिए फुट स्टेप्स के उन्होंने। महिंद्रा इस पर काम कर रही होगी, अगर कर रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही होगी तो भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज करिए। और जो एक बेहतरीन काम जो कि महिंद्रा की तरफ से नहीं है, जो मैंने खुद करवाया हुआ है, आई विल डिस्क्लोज दिस पार्ट विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस कार, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं सबसे एंड में आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। अरे भैया अब इतने बड़े शीशे पे नजर जा रही थी लेकिन एक चीज पे नजर नहीं गई, और रीजन क्या है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा भाई, और उसकी वजह से अंदर का भी कुछ नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से ये कार जेड ब्लैक दिख रही है। मैं बात कर रहा हूँ सन शेड्स की। अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप एक इंडियन हैं, तो सनशेड आपके लिए मस्ट है। क्यों? ये आपकी जेब से मोटा खर्चा होने से बचाएगा। क्यों? आपकी बीबी काली पड़ेगी नहीं तो सनस्क्रीन नहीं मांगेगी, सनस्क्रीन नहीं मांगेगी तो खर्चा बचेगा भैया, लगाओ उसको। सो इट्स अ एब्सोल्यूट मस्ट, प्लस इट प्रोवाइड्स यू अ वंडरफुल प्राइवेसी, अंदर का एनवायरनमेंट बहुत कोजी हो जाता है। कितना कोजी हो जाता है आशु, अंदर घुस के बताइए। ये देखो आप कितना कोजी हो जाता है, आशु गो इनसाइड, वंडरफुल। ये देखिए आप कितना कोजी सा लगने लग जाता है अगर आप इसको बंद कर दो, फुल ऑन प्राइवेसी जो कि पहले पॉसिबल ही नहीं थी। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, गाड़ी का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है अगर आप एक बार ये सनशेड्स लगवा लें। तो मेरे हिसाब से सनशेड्स आर एब्सोल्यूट मस्ट। ये स्नैप ऑन है, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको फटाफट से ऐसे निकाल सकते हैं, हुक से यहाँ पे टाइड है, इसको निकाल देंगे आया नया उजाला चार बूंदों वाला हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना उजाला है आपके पास, और अगर आप इसको दोबारा लगा देते हैं फिर भी थोड़ा लाइट दिख रहा है, बट इनसाइड इट्स डार्क। अगर आप इसको लगा देंगे तो अंधेरा कायम रहे, वो तमराज किल्वेश वाला शक्तिमान का डायलॉग सुना होगा ना आपने, इसको लगाते ही वो हो जाता है, अंधेरा कायम हो जाता है। आशु बाहर आओ यार, जरा इतना अंदर नहीं, मेरे को तो नींद आने लग गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि महिंद्रा की तरफ से नहीं आती हो, मैं भी मिस कर रहा था जैसे कि महिंद्रा ने मिस कर दिया। जब भी आप कीचड़ पे से निकालेंगे, सुंदर सुंदर गुड्डों में जाएंगे, तब तब आपको उसकी याद आएगी, और आप गाना गाओगे याद तेरी आएगी मुझको बड़ा रुलाएगी, ऐसे ही होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि भैया जब भी आप गड्ढों में से निकालेंगे, जैसे ही ये टायर घूमेंगे, सारी की सारी कीचड़ आहा बेहतरीन तरीके से आपको पूरी कार को नहला देगी। मैं बात कर रहा हूँ मड फ्लैप्स की, दीज आर एब्सोल्यूट मस्ट। इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना साइज है, इतना वेट है, कीचड़ जब के ऊपर से जब निकलती है तो वहाँ गड्ढा कर देती है, ठीक है, और कीचड़ अपने ऊपर और पड़ोसी के ऊपर फेंक देती है। तो भैया मड फ्लैप्स आर एब्सोल्यूट मस्ट। मड फ्लैप्स रहेंगे तो आपके ये साइड स्टेप है, इसके ऊपर कीचड़ या मिट्टी नहीं आएगी, आपके डोर्स बच जाएंगे मिट्टी से, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस जगह, पूरी जगह पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, तो आप उससे बचेंगे अगर आपके पास मड फ्लैप्स हैं। बहुत छोटी सी एक्सेसरी है, मात्र यहाँ पे प्राइस आ रहा होगा इतने की कॉस्ट करती है आपको 400 के, और बहुत मुश्किल से मिलती है मड फ्लैप्स, बहुत मुश्किल से मिलती है भैया, हॉट केक है, मुझे तो 2-3 हफ्ते बाद दी है महिंद्रा ने। तो जब बात की जाए बैग की, तो भाई बैग इस गाड़ी का इतना ब्यूटीफुल, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से मुझे इसका गाड़ी का लुक बहुत ही डिफरेंट लगा। आपको फॉर्च्यूनर पसंद है तो आप क्या ये चाहेंगे कि ये गाड़ी भी फॉर्च्यूनर बन जाए, तो फॉर्च्यूनर इसमें डिफरेंस क्या होगा भैया, वही डिफरेंस मेंटेन रखने की कोशिश की है किसने, महिंद्रा ने। अब कैसा भी लुक दिया है, ये हमारी प्यारी स्कॉर्पियो है ना, ठीक है, इसके बारे में मैं किसी से बुराई नहीं सुनूंगा, जिसने भी बुराई लिखी ना मैं यूट्यूब पर जाके उसके कमेंट बॉक्स में जाके हेट कमेंट करूंगा, इतना बुरा हूं मैं। तो व्हेन इट कम्स टू द बैक प्रोफाइल, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चुल्ल थी ना कि हर डायरेक्शन में से कुछ ना कुछ करवाना है। तो जो सबसे पहली चीज़ करवाई है वो ये आपको क्रोम दिख रहा होगा, बूट फ्रंट ऑप्लिक मैंने एक नाम दिया हुआ था, इसका एग्जैक्ट नेम क्या है वो यहाँ फ्लैश हो जाएगा, इसका प्राइस भी यहाँ फ्लैश हो जाएगा। अगेन बैक से कैरेक्टर ऐड करता है, आपकी गाड़ी को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है। अगर आपके सामने चार स्कॉर्पियो खड़ी होंगी तो चारों में से आप अपनी को पहचान लेंगे, इसलिए जरूरी है, मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ जो मैंने इस पर करवाई है जो मुझे पसंद थी, विच मेक्स माई स्कॉर्पियो टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, That is this tail lamp oblique. इसको बोलते हैं tail lamp oblique. हाँ भैया कॉस्टली है ये छोटा सा जो चिथड़ा है ना क्रोम का,
बहुत कॉस्टली है भैया, इसको लगवाते समय अपनी पॉकेट पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, कहीं होल ना हो जाए उसमें। सब्जेक्टिव है, आप लोगों को पसंद आ सकता है नहीं आ सकता है, लेकिन देखो आप लगवा लो तो आपके पास ऑलवेज एक ऑप्शन है कि आप उसे निकाल सकते हो। जिसने लगाया ही नहीं वो निकालेगा क्या, उसकी तो निकली निकलाई रखी है। तो हमने तो भाई लगवा लिया ताकि आप लोगों को लगवाना ना पड़े, बट अगेन लुक्स आर सब्जेक्टिव। आशु थोड़ा सा पीछे से एक बार इनको दिखा दो कि कैसा दिख रहा है, और चाहे तो ये ड्रोन शॉट्स में भी देख लेंगे कि गाड़ी दिख कैसी रही। तो ये तो बात होगी आपके टेल लैंप ऑब्लिक की। इसके बाद अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी जो थी वो थी यहाँ पे साइड बम्पर प्रोटेक्टर। ये पीस ऑफ चार आते हैं, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ भैया ये तो एब्सोल्यूट मस्ट है। जैसे कि मड फ्लैप है वैसे ये है, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से लगवा लीजिएगा। थोड़ा सा माचो लुक तो देते ही हैं, देते हैं गाड़ी को, उसी के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाद में पैसा झाड़ने से बढ़िया है पहले पैसा झाड़। यार तुम्हारा एक्सेंट कहाँ से आ रहा है? पता नहीं यार, ये बीबी आज सुना सुना के लाई है। बीबी सुना के लाई है, ठीक है। वो देखो आपको सामने एक प्राणी दिख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वहाँ अपना रिव्यू दे रहा है वो डिफरेंट पेड़ ढूंढ के सूसू करने का रिव्यू दे रहा है। अब बारी आती है अंदर की। भैया अंदर का जो मैं आपको आइटम दिखाने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों? उसने मेरी जेब और मेरे दिल दोनों में सबसे बड़ा होल किया। आर यू रेडी? ये खोलते ही भाई सबसे पहली चीज जो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी वो है इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स। नाम ही है जलने वाली या चमकने वाली स्कफ प्लेट, जो कि बिल्कुल भी नहीं चमकती। और उसका रीजन क्या है भैया? रीजन है ऊपर दिखने वाली ये हमारे सूरज महाश है, जो कि इंडिया पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, खासकर नॉर्थ इंडिया पर। ये तो फिर भी साउथ इंडिया है। ये आपको दिखाई इसलिए नहीं देगी क्योंकि भैया जैसे कि इस फॉर्च्यूनर पे आपको बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर इल्यूमिनेट होते हुए दिखता है ना, इतनी बड़ी गाड़ी पे छोटा सा स्कॉर्पियन की बैजिंग दी गई है जो कि जलती है। रात को जलती हुई बहुत शानदार लगती है, उसकी वीडियो तो आपको सामने दिख ही रही होगी अभी फिलहाल, लेकिन जब आप इसे मॉर्निंग में देखेंगे तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन रात में बहुत सेक्सी लगती है इसलिए मैंने लगवाई है। ये तो थी पहली एसेसरी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरी है, इसके लिए आपको आशु पीछे वाला गेट भी खोलना पड़ेगा, तो वो है भैया आपको दिख रही होगी नीचे मैटिंग। ये मैट दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं 7D मैट, जो कि भौकाल जमाए हुए अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है। काली गाड़ी के अंदर तो काला भौकाल इसने जमाया है भैया। इसके अलावा मैंने बाकी मैट्स भी डलवा के देखी लेकिन इतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही थी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी साफ सुथरी रहे और माँ और बीबी से कम गालियाँ पड़े तो उसको जरूर लगवाएं, क्योंकि इनको साफ करना और मेंटेन रखना भी बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ये मैट गंदी होगी तो ऐसे करके निकाल लेनी है, क्योंकि ये नीचे हुक से जुड़ी रहती है, इसको निकाल के आप इसको साफ करके वापस लगा सकते हैं। बाकी सारा वैक्यूमेबल है जो कि हमारे पास नहीं है फिलहाल। वैसे ना दिखने वाली चीजों से याद आया कि इसमें इस कार में एक और ऐसी चीज है जो कि है लेकिन दिखती नहीं है, जिसका प्रयोग बहुत ही शानदार है, जिसका नाम है एंटी स्किड मैट, ना फिसलने वाली मैट। ये क्या ना फिसलने से बचाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इस जगह पे पानी की बोतलें डालेंगे तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आएगी, क्यों? आपकी बोतलें फिसल रही होंगी अंदर ही अंदर, ऐसा महिंद्रा का कहना है। उसको बचाने के लिए यहाँ पे डाली जाती है ऐसी मैट्स। ये सब नहीं पता था। इसकी आई थिंक 7 या 8 पीसेस आते हैं। ये आपको फ्रंट 2 डोर्स, पीछे की 2 डोर्स, सेंटर में वो जगह जहाँ पे आपका मोबाइल प्लेस होता है उस जगह पे एंटी स्किड मैट्स आएंगे, ताकि आप अपनी बोतलों को फिसलने से बचा सके, आप भी शक्तिमान बन सके। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। महिंद्रा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जीवन में कंफर्ट की कोई कमी नहीं होने देंगे, इसलिए वो मेरे लिए लेके आए कंफर्ट किट, मतलब मेरे और आप जैसे लोगों के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी गाड़ी में पोकाल टाइट रहे और कंफर्ट में कोई कमी नहीं हो और आप लॉन्ग ड्राइव में खूब इंजॉय करें, तो भैया एक चीज़ जो कि बहुत मैंडेटरी है वो है ये कंफर्ट किट। कंफर्ट किट के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। 2 तो आपके नेक रेस्ट आते हैं, जो कि भैया जो गाड़ी के लिए पे करता है वो अपने पास लगाता है जैसे कि मैं, और 2 बैक पिलोज आते हैं। अब भैया सीधी सीधी बात है, आप फ्रंट वाला मार लेंगे तो घर वाले कुछ तो मांगेंगे ना, तो उनको आपको इसी में शांत करना पड़ता है। लेकिन अगेन बहुत अच्छी एसेसरी है, मतलब आपकी गाड़ी में कंफर्ट तो बढ़ाई देती है, साथ साथ थोड़ा लग्जरी भी ऐड करते हैं आपकी गाड़ी के अंदर, तो आई डू फील कि ये आपके साथ होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास Z8L वेरियंट है, Z8 लग्जरी वेरियंट है, आपकी गाड़ी का जो स्टेयरिंग है, इवन आपका जो हैंड ब्रेक एंड गियर बॉक्स है, उस पर ऑलरेडी लेदर का वर्क मिलता है आपको, ठीक है। जो कवर है वो लेदर कवर है, जेन्युइन लेदर कवर है। लग्जरी पैक के अंदर आपको पिल्लो नेकरेस्ट के साथ साथ स्टीयरिंग कवर, हैंड ब्रेक कवर एंड इवन गियर नॉब कवर मिलता है, जो कि आपके लिए यूजलेस है। क्यों? उनकी जो क्वालिटी है, बेसिकली दे आर मेड ऑफ रेक्सिन, ऐसा मुझे एसेसरी वालों ने बोला है महिंद्रा के, तो अगर किसी को पकड़ना है तो उन्हीं को पकड़ना, दैट इज अप टू यू। वो 3 पीस मेरे लिए यूजलेस है, वो मैंने नहीं चढ़वाए। बाकी ये जो 4 पीस मैंने लगाए भैया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनका जो प्राइस है वो समथिंग अराउंड, मैं यहाँ एग्जैक्ट प्राइस डाल दूंगा, 3500 to 3600 कॉस्ट करता है। आपके ऊपर आप वो लगवाना चाहेंगे कि नहीं लगवाना चाहेंगे। इसके बाद अगर आप मेरे जैसे शौकीन, अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी में और कुछ करवाना है, क्यों कुछ करने की जगह तो बची नहीं, तो आप क्या करवा सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आइए, आप इसमें लगवा सकते हैं ऐसे पैडल कवर्स, जो कि मेटल के हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनको आप ही देख सकते हैं,
चलता हुआ राहगीर तो नहीं देख पाएगा, तो भैया पैसा कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसे करवा लीजिएगा, वैसे से कराने की कोई जरूरत नहीं, तभी तो मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से यूनिक दिखेगी ना। तो इसी के साथ भैया फ्रंट में, बैक में और इवन हमने आपको दिखा दिया कि कार के अंदर हमने क्या क्या काम करवाया। एक चीज जो मैं भूल गया हूँ जिसका यूज है, जो दिखने में भी सेक्सी लग रही है, लेकिन फिलहाल उसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, वो है आपको टिश्यू कवर। ये कंफर्ट किट के साथ ही आता है टिश्यू बॉक्स, ठीक है, दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने उसको फ्रंट में रखा हुआ है। तो वो सारी चीजें बता चुका हूँ। अच्छा आप भी बताना चाहते हो, बताओ भाई, बताओ आप बताओ आपकी गाड़ी में क्या क्या लगवाया, बता दो। ये भी एक एसेसरी, आपको फिट करवाना है तो आप हमसे बात करें, हम करवा देंगे आपके पास में। बहुत ही कॉस्टली एसेसरी है ये, हर जगह होल कर देगी, जहाँ नहीं भी हुआ है वहाँ पे भी। इस बंदे को कहीं पर भी फुटबॉल मिले, बास्केटबॉल मिले, वो बच्चा खेलने आया और उसकी बॉल जाके पकड़ ली। फुदक फुदक कह रहा है, कितना पागल रहता है ये बात। मेरा मोटू, गाड़ी के ऊपर हम दोबारा से आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप महिंद्रा ओरिजिनल एसेसरी अपनी गाड़ी पे क्या क्या लगा सकते हैं। जब मैंने आपसे बात की थी कॉस्ट की, तो इस पे जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है वो है डैश। सुन के हैरान रह गए ना, यही कॉस्ट आई है भैया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इतनी ही कॉस्ट आई है। इस पे जितने भी मैंने जितना भी मैंने सामान लगवाया है, ये अगेन आप टोटली अप टू यू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी दूसरों से यूनिक दिखे, अगर आपके अंदर अपना वोकल टाइट करने की उतनी ही मंशा है जितनी मेरे अंदर है, करवा लीजिएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू कि मैंने आफ्टर मार्केट क्या क्या करवाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये ब्लैक कलर है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट मस्ट है। आप भले ही 1-1.5 लाख रुपये अंदर लगवा लें, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर इसकी प्रोटेक्शन नहीं ली, तो भाई ये कलर आपको बहुत रुलाने वाला है। सबसे पहली चीज जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है वो है आपका PPF। दो क्वालिटी आती है, TPU एंड TPH। मैंने इस पे करवाया है TPU, दैट टू सेल्फ हीलिंग TPU, जो कि छोटे मोटे स्क्रैचेस को खुद ही हील कर देता है एज सून एज इट गोज इनटू सनलाइट। वो रूम टेम्परेचर पर भी वर्क करता है, लेकिन जैसे आप धूप में निकलेंगे ये अपने आप को हील करना चालू कर देता है और उस पर जो भी स्क्रैचेस हैं वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। ये पूरी बॉडी पे मैंने कराया। इसके बाद मैंने इसके ऊपर चढ़वाई हुई है 3M की ब्लैक फिल्म, जो कि लीगली परमिसेबल है। भाई मैंने वो वाली नहीं कराई है जो कि इलीगल है और पुलिस फाड़ दे, ऐसा काम हम करते ही नहीं है। लीगली जो परमिशन है वो हमने डलवाई है, ताकि यूवी रेस से प्रोटेक्ट किया जा सके खुद को और थोड़ा सा ब्लैक टिंट लेके आया जा सके, क्योंकि पहले तो बिल्कुल प्लेन शीशे थे इसके। देन कम्स आपका वाटरप्रूफ कोटिंग, तो मैंने वाटरप्रूफ कोटिंग भी चढ़वाई हुई है सारे के सारे शीशों पे, ताकि अगर बारिश का पानी आए तो उस पे टिके ना। आपने थोड़ी देर पहले अगर देखा होगा तो बारिश हो रही थी, अब पानी नहीं दिख रहा। सेम गोज फॉर इवन जो इसके ऊपर ये PPF चढ़ी हुई है, वो भी क्या है, वाटरफोबिक है। वो पानी को क्या नहीं करने देती है, टिकने नहीं देती। तो इट वॉज नॉट वाटर प्रूफ, जो मैंने पहले बोला था, इट वॉज वाटर फोबिक, पानी की बूंदे इस पर ठहरती नहीं। इनमें से एक चीज जो कि मैंने अपना वोकल टाइट रखने के लिए करवाई है, वो है रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर ऐड करता है, क्योंकि आपको ऐसी गाड़ी और कहीं नहीं दिखेगी। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप भी ये करवाएं, लेकिन अगर आप मेरी तरह शौकीन है और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी डिफरेंट दिखे, तो डेफिनेटली आप ये करा सकते हैं। ये चारों मैंने चारों तरफ कराए। इसका प्राइस मैं आपको ऑफर एंड बता देता हूँ, मुझे पड़ता है 1400 रुपीज का, ठीक है। ये मैंने कहाँ से कराया था, जहाँ से मैंने PPF चढ़वाई थी। अगर आप बैंगलोर में लोकेटेड हैं, अगर आप भी PPF रेड कलर के कैलिपर्स कराना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे रेड लाइन कार वॉश की डिटेल मिल जाएगी, जहाँ से मैंने सारा का सारा काम करवाया है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस कार पे हमने महिंद्रा की ओर से आने वाली जेन्युइन एक्सेसरीज कौन कौन सी लगवाई है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमने आफ्टर मार्केट काम क्या क्या करवाया। अब आता है भाई कि आपने लगवा तो सब कुछ लिया, उसको मेंटेन कैसे करोगे। तो कार के मेंटेनेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कार केयर किट। जी हाँ, वो मैंने महिंद्रा से ही ली है। अगेन 2500 की मुझे ये किट पड़ी थी, प्राइस मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है वो किट, जिस किट के अंदर मुझे क्या क्या मिला था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चादर नहीं मिली है, तो कीटों के लिए हमें रखनी पड़ती है। हमें मिलते हैं 2 ऐसे माइक्रोफाइबर टॉवल, देन उसके बाद मिलता है ये प्यारा सा ब्रश। ये ब्रश बहुत शानदार चीज़ है भाई, इसको ऐसा निकालो और एक बार मार दो और आपकी गाड़ी आए हाय 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 माधुरी दीक्षित बन जाती है। इसके बाद अगर आप मुझसे होशियार हैं और मेरे बताने से पहले अगर आप बता पाएं कि ये और कहां से मिल सकती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि अगर ऐसी मुझे एक दो और मंगानी है तो मैं कहां से मंगा सकता हूं, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ माइक्रोफाइबर टॉवल मिलती है आपको, ताकि आप गाड़ी को क्लीन कर सको। और ये और आपका मिरर को ग्लास में अगर आपको शाइन लानी है, तो दो बूंद डालिए पानी में, दो बूंद जिंदगी की, जो कि आपके शीशों को बिल्कुल चमचमाता हुआ कर देगी। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें मिलती है वो है आपके टायर्स के लिए ना, टायर क्लीनर। आप इसको थोड़ा सा इस स्पंज पे लगाइए, जो कि इसके साथ मिलता है, और आपके टायर नए जैसे हो जाएंगे, ऐसा महिंद्रा का कहना है, मेरा नहीं। तीसरा है आपका कार शैम्पू, अगर आपको अपनी कार धोनी है तो आप इसको यूज़ करके कार धो, डाइल्यूट करना है सबको वाटर में बोल। हाँ, डाइल्यूट तो करना ही है ऑफकोर्स। अब भैया ये जो पूरा का पूरा किट है, ये आपको कितने का मिलता है, मात्र 2500। महिंद्रा के लिए मात्र 2500 कुछ नहीं है, लेकिन भैया हम जैसे लोगों के लिए 2500 बहुत होता है। महिंद्रा थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करो। वीडियो के बीच में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये छोटी सी बच्ची किसी की कुंभ के मेले में खो गई है, जो मैं कहीं राह चलते हुए मिली थी। अगर ये किसी की भी बच्ची, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कराएंगे।
अच्छा माँ हो आप? ओह माय गॉड, व्हाट अ ट्रांजिशन। माँ जैसा बिहेव करो। अब भाई फुल एंड फाइनल जो लास्ट चीज है इस वीडियो की वो है ये है भैया महिंद्रा ओरिजिनल बॉडी कवर है। ये हमें पड़ रहा था 1800 का। GST कितना है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट जो भी जितनी भी होने वाली है। तो भाई वो जगह बहुत घेर रहा था, अगर उसकी जगह वो थोड़ी सी कम जगह घेरता तो मैं पक्का उसी को लेता। लेकिन फिलहाल ये हमारा हमराही, हम सफ़र, हम साथी है हमारी जर्नी में। इसको कहीं भी ले अपने साथ लेके जा सकते हैं और जब चाहे तब डाल सकते हैं। तो भैया इसी के साथ हमारे जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं, जो भाड़े के कैरेक्टर्स में अपने साथ लेके आया था, तो ये भाई ये भी किराए पे आए थे, ये भी किराए पे आए थे, और इवन जो कैमरामैन है जो हमारी बीबी का रोल प्ले कर रही है, ये भी किराए पे आई थी। भैया हो गया तुम्हारा काम, तुम जा सकते हो घर, चलो तुम बताती तुम्हें। हाँ तो भाई आ जाओ आशु। यही था बस, जितनी भी एसेसरीज हमने इस कार में लगवाई है वो सब मैंने आपको दिखा दी है। हम सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और इतना बढ़िया माहौल था ना पीछे, इतनी शानदार जगह थी कि भाई मैंने सोचा कि क्यों ना इस गाड़ी के बारे में थोड़ा आपको बता दिया जाए कि क्या क्या एसेसरीज हमने इस पर लगवाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भैया आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके फैमिली वाले होंगे, भाई पकड़ पकड़ के वीडियो दिखाओ ना। क्या कर रहे हो भाई, वीडियो देखने का और दिखाने का पैसा नहीं लगता, पुण्य ही मिलता है। जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारी वीडियोस को शेयर करेगा या हमारी वीडियो को लाइक करेगा, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि भाई इससे भी शानदार गाड़ी उस सबके गैराज में खड़ी मिले। तो भैया इसी के साथ आज की वीडियो को कमेंट करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बड़ा वाला बाय बाय।